Robot Jones. मेरी मम्मी की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं आता। पेरेंट्स, वाह 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 वाह, मेरा मनपसंद प्रोग्राम चल रहा है। बेटा जरा वो मटन इधर देना। ये लो डैड। बेटा बताओ स्कूल में आज का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा। चलो बेटा तेल भर देती हूँ। अभी नहीं मॉम यूनिट, आप देख रही है ना कि मैं अपना मनपसंद प्रोग्राम देख रहा हूँ। अभी नहीं। तुम जितना ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तुम्हें उतने ही तेल की जरूरत पड़ेगी। और लोगे बेटा? नहीं शुक्रिया, पेट भर गया है। आप भी टीवी वाली मॉम यूनिट की तरह क्यों नहीं बनती? काश। क्या ख्याल है बेटा, क्यों ना हम दोनों के बीच मैच दोबारा हो जाए? चलो। सिस्टम की जांच करो। डैड यूनिट प्लीज रहने दीजिए, मैं अपना सिस्टम खुद ही चेक कर सकता हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। प्लीज डैड यूनिट, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं देखता हूँ। मॉर्निंग मिस्टर जोन्स। यहाँ आने का मकसद बताओ। वो यही तो था। ये काम के नहीं। डैड यूनिट प्लीज इस तरह लोगों को डराना बंद कीजिए। डैड यूनिट देखा, मेरी बस भी छूट गई। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं डैड यूनिट रुकिए। डैड यूनिट पहुँच गए। हट जाओ। हट जाओ रबो के बच्चे, हट जाओ। ओ, मेरा काल। डैड यूनिट प्लीज और गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। ओ जेनकिंस जी, जोन्स, खुश रहो। गुड मॉर्निंग मिसेस रेनकोट। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोन्स। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरे डैड यूनिट जरा पुराने मॉडल के हैं। वाह, आज का दिन यकीनन अच्छा है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ना शुरू करें। आज पढ़ेंगे 12वें पन्ने पर 18वीं सदी के महान कवि के बारे में। पीटीसी, ये फॉर्मूला तो मेरे मेमोरी बैंक में नहीं है। रोबो तुम भी ना, पीटीसी का मतलब है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। हमारे मम्मी डैडी आकर टीचर से मिलते हैं, उनकी वजह से मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। पिछले साल की शर्मिंदगी आज तक नहीं भुला पाया हूँ। मेरे मॉम डैड यूनिट टीचर से बात नहीं कर सकते, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। नहीं। अच्छा, पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में मैं इसके मम्मी डैडी से इसकी शिकायत करूंगी। मॉम यूनिट आप ये क्या कर रही हैं? तेल खत्म हो रहा है इसीलिए जमीन से तेल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारे पड़ोसियों को डरा रही हैं। पेड़ पौधों को छोड़ो, तुम आकर कार में बैठो जल्दी। चलो। मॉम यूनिट डैड यूनिट, इस गुरुवार को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना ही होगा। मजा आएगा इंसानों से सामना। अगर आपको स्कूल आना है तो आपको इंसानों से पेश आने के तौर तरीके सीखने होंगे। ठीक है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आपसे मिलकर खुशी हुई। कोशिश बेकार है। ये लो। पर इस यंत्र से मेरा डिजाइन बदसूरत लग रहा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको छोटी छोटी बातें सिखाऊं। मैं आपको इस ट्रांसमीटर के जरिए काबू करूंगा।
आइए आइए, आप सबका स्वागत है। हेलो बिली, गुड इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। जोन्स, ओ नहीं, ये क्यों आ गए? गुड इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस जोन्स। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर प्रिंसिपल। आपको भी ना, हमें पता था। जोन्स, जाओ। जी सर। तुम्हारे मम्मी डैडी भले ही अच्छे हों, पर वो हैं तो रोबो। मैं तुम पर नजर रखूंगा, कोई शरारत मत करना। जी सर। मॉम यूनिट, डैड यूनिट। ये उनका बेटा है। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हे रोबो, ये मेरे मम्मी डैडी हैं। ये मेरा दोस्त है रोबो जोन्स। कैसे हो बेटा? और ये मिस्टर और मिसेस जोन्स होंगे, क्यों? आपने बहुत ही खूबसूरत टाई पहनी है। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपने भी बहुत ही खूबसूरत बो पहना है। पर ये डिजाइन के साथ मैच नहीं करता। ओ नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग ध्यान दीजिए, पेरेंट्स मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हर टेस्ट के बाद हम यहाँ स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं और आपसे आपके बच्चे के बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे, अब एक एक टीचर आप सब पेरेंट्स से मिलेंगे। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अकेले ही मिलने जाएं। बच्चे जहाँ हैं वहीं रहें। कोई बच्चा शरारत नहीं करेगा। मिस्टर क्लैंसी किसी बच्चे को अंदर नहीं जाने देंगे। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। रुको, यहीं रुक जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो रोबो? मुझे उनके साथ जाना ही होगा। उनका ट्रांसमीटर मेरे पास है, इसके बिना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें वीडियो गेम खेलनी है तो तुम बाहर जाकर खेलो रोबो, अंदर नहीं खेल सकते हो। ओ, ये क्या हो गया? मेरी मॉम डैड यूनिट गड़बड़ कर देंगे। काश मेरे मम्मी डैडी गड़बड़ कर दे। लेकिन मुझे तो अपने मम्मी डैडी पर पूरा यकीन है। अच्छा देखिए, अब कौन है? मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, आप आ सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, अब आपकी बारी जोन्स। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई मिस्टर जोन्स। हेलो इंसान। आपका बेटा अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर है, ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, अंग्रेजी में जीरो, कविताएं नहीं आती, कविताओं के नाम नहीं जानता, दरअसल साहित्य के बारे में कुछ नहीं जानता। लीजिए रोबो का पेपर, अब ठीक हो गया। यहाँ आने का शुक्रिया। अंग्रेजी के टीचर से मिल लिए, दूसरे टीचर के पास चलो, दूसरे टीचर के पास चलो। रुकिए, इस बार तो आप दरवाजे से। मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि आपके बेटे का गणित अच्छा होता जा रहा है और मैं उसे ऐसी आम चीजों के जरिए समझाता हूँ। हमारा बेटा गणित में इतना माहिर है कि वो आपको भी सिखा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है मुझे नहीं आता? देखिए, मैंने गणित के ये सारे सवाल हल किए हैं, आप खुद ही देख लीजिए, ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो मुझे नहीं आता। ये किताबें तो वही टीचर पढ़ता है जिसे गणित का एक भी फॉर्मूला नहीं आता। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हमें धमकी, हमें आज तक किसी ने धमकी नहीं दी, इन्हें सजा दी जाए। ये मुझसे कैसे गलती हो गई है? और याद रखो, अगर तुम लोगों ने चालाकी की तो सबको फेल करवा दूंगा। सुनो क्लैंसी, एक नंबर कमरे में देखो क्या हो रहा है। अभी आया सर, अभी आया। अरे मेरा हेलमेट और मेरा झाड़ू कहाँ है? वो रहा। जब तक मैं ना आ जाऊँ यहाँ से मत चलना। ओह नो। बचाओ बचाओ। अंदर क्या हो रहा है? ओह ये सब क्या है? मिस्टर मिकमिक, मिस्टर मिकमिक, ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं, इनसे अपने बेटे की तारीफ सहन नहीं हुई। मुझे आपने बुलाया सर। एक नंबर कमरे की जांच करो, जाकर देखो क्या हो रहा है। आपका हुक्म सर, आंखों पर पेश आपका मददगार। नहीं रुको, अभी देखता हूँ कौन है यहाँ। ये क्या, भागो, वो जोन्स तो अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं सर। पता नहीं मेरी मम्मी डैडी ने क्या गड़बड़ की होगी। क्या तुम अपने मम्मी डैडी के बारे में सोच रहे हो? रोबो जोन्स, तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये तो
मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सब क्यों हुआ? ये सब कैसे हुआ? मुझे पहले ही शक था ऐसा होगा। तुम्हारे मम्मी डैडी को यहाँ आने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। मैं तुम्हें देख लूंगा रोबो। स्कूल दोबारा बनाया जाएगा, इसलिए स्कूल 1 महीने तक बंद रहेगा। रोबो ले जाओ इन्हें मेरी नजरों के सामने से, फिर इन्हें कैंपस में मत लाना। शानदार शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। अपने आप को संभालिए सर। आज आपने इंसानों को एहसास दिला दिया कि हम रोबो हर मामले में उनसे बेहतर हैं। वो रहा। ओ, नहीं ए, रोबो एक बात बताओ, तुम तो वाकई बहुत महान हो दोस्त। डेटा लॉग एंट्री। आज के दिन मैंने सीखा कि हम बच्चों को ये गलत फहमी हो जाती है, मॉम डैड यूनिट की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन ये सरासर गलत है। मॉम डैड यूनिट की वजह से हमें स्कूल से 1 महीने की छुट्टी मिली है। मुझे नाज है कि मैं इनका बेटा हूँ। हेलो शेनन, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद है और तुम्हारी हंसी भी। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हार्वेस्ट डांस हो रहा है उसमें तुम मेरे साथ जरूर डांस करना पसंद करोगी। बाय शेनन। और हाँ, वो प्यारा गाउन पहन कर आना, उसमें तुम सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। रोबो, सुबह का तेल डालने का वक्त हो गया। मॉम यूनिट। रोबो जोन्स, क्या कर रहे हो? सॉरी मॉम यूनिट, अभी बात नहीं कर सकता, स्कूल के लिए देर हो रही है। हेलो शेनन। हेलो रोबो, कैसे हो? शेनन। बोलो रोबो। कहो क्या बात है? बात है रोबो। हे रोबो, क्या तुम क्लास में आ रहे हो? क्या है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। आइंदा कभी भी मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत मत करना, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ना समझ। हाँ तो सचमुच उसने मेरी नाक खींची। क्या कहा? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जानता हूँ मैंने गलत किया। सॉक्स, क्या कहा? मुझे माफ कर दो। वो क्या है कि फ्राइडे को हार्वेस्ट डांस है, उसी को लेकर मैं थोड़ा परेशान था। क्या कहा रोबो, हार्वेस्ट डांस है? हाँ सच कह रहा हूँ, हार्वेस्ट डांस है। मैं उसी के बारे में सोच रहा था और तभी सॉक्स वहाँ आ गया। हाँ तो मैं शेनन से पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे साथ डांस करेगी, पर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। शैनन, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ओह
शैनन, तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। रोबो को शैनन पसंद है। बैठे एक पेड़ पर, धीरे धीरे दोनों में हो गया प्यार। प्यार के बाद दोनों की हुई शादी। शादी के बाद हुई को बच्ची। ओ नहीं, मैं शैनन से डांस के लिए नहीं पूछूंगा। लेकिन तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम्हें उससे पूछना चाहिए। हाँ, डांस 4 दिन बाद है। लेकिन मुझे वैसी बच्ची नहीं चाहिए। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो रोबो। जानते हो, शैनन अभी वहाँ है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये अच्छा मौका है रोबो। उसके नाक से पानी बह रहा है। जल्दी जाओ रोबो, वो जा रही है, जल्दी जाओ। ओह हाय रोबो जॉन्स। ओह हाय शैनन। रोबो क्या है कि मेरी घड़ी बंद है, तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं? तुम बात नहीं करना चाहते? अच्छा मैं चली। मैं तो गया काम से। सुनो, हार्वेस्ट डांस के लिए 3 दिन बचे हैं। आपके लिए पार्सल। ये रोबो का बच्चा जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है। ओ, क्या करूं, शैनन से डांस के लिए पूछने की हिम्मत कभी नहीं कर पाऊंगा। हाय रोबो जॉन्स। शैनन। हाय रोबो जॉन्स, तुम डांस के लिए जा रहे हो क्योंकि मैं जा रही हूँ। हालांकि किसी ने डांस के लिए पूछा नहीं है। आज रात जो भी मुझसे पूछेगा मैं उसके साथ डांस करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। काश कोई मुझसे पूछे, चाहे वो जो भी हो मैं डांस करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। उम्मीद है आज कोई ना कोई आकर मुझसे जरूर पूछेगा। वो जो कोई भी हो लेकिन तुम बिल्कुल नहीं हो सकते रोबो जॉन्स। सोच भी नहीं सकती। ओ हार्वेस्ट डांस। इस तरह उदास नहीं होते रोबो, हम भी डांस नहीं कर सकते। यो यो यो, हेलो दोस्तों, हार्वेस्ट डांस मुबारक हो। अब तुम अच्छे से धुन पर डांस करोगे, सुना तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इन बच्चों को एक दूसरे के साथ डांस करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। चलो तुम भी चलो। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ डांस करना चाहिए। तुम लोगों ने सुना? ये क्या? दोस्तों, रोबोट फटने वाला है। अगर मैं शैनन की जगह होती तो बेहोश हो जाती।
आखिर ये हो क्या रहा है? कोई मुझे संभालो, कोई मुझे संभालो। वाह, क्या शानदार धुन है दोस्तों, वाह। ठीक कहा, बहुत ही शानदार धुन है। दोस्तों रोबो को देखो। नो, नो, क्या बात है, रोबो का जवाब नहीं। क्या बात है, रोबो का जवाब नहीं। चलो, बात है, रोबो को मेरा जवाब नहीं। डेटा लॉग एंट्री। घबराने और डरने से चीजें और बिगड़ जाती हैं, और उनके बिगड़ने से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन कभी कभी घबराहट में भी आप कामयाब हो जाते हो, जैसे कि आजकल के कॉमेडियन। पर मुझे खुशी है, उन कॉमेडियन की तरह मुझे बेकार कॉमेडी का रास्ता नहीं अपनाना पड़ा।